बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग के इस ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में। मैं मिथिलेश कुमार निषाद, लेक्चरर फिजिक्स, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा अध्याय कणों के निकाय एवं घूर्णी गति है और आज इसका तीसरा भाग मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आज के चर्चा के बिंदु को देख लेते हैं। सबसे पहले आज हम द्रव्यमान केंद्र की गति की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा पर एक बार फिर चर्चा होगी, फिर द्रव्यमान केंद्र की गति में आंतरिक बलों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी, फिर उसके बाद गुरुत्व केंद्र की चर्चा होगी, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाएंगे और अंत में आपको गृह कार्य दिया जाएगा। बच्चों, आइए आज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं जिसका नाम है द्रव्यमान केंद्र की गति। आइए कल्पना करते हैं एक ऐसे निकाय की जो n कणों से मिलकर के बना हुआ है और ऐसे निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश की परिभाषा आपको पिछले लेक्चर में दी जा चुकी है और वह सूत्र भी आप भलीभांति जानते हैं। द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश का जो फार्मूला है वो है वेक्टर r इज इक्वल टू 1/m सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n एम आई वेक्टर आर आई। आइए इस फॉर्मूले में जो टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं। कैपिटल M बच्चों कणों के निकाय का कुल द्रव्यमान है, एम आई आयत कण का द्रव्यमान है और आर आई आयत कण का स्थिति सदिश है, जबकि वेक्टर कैपिटल R ये द्रव्यमान केंद्र के निकाय n कणों से बने निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है। बच्चों, हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एम आर सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई वेक्टर आर आई। अगर हम इस समेशन को एक्सपेंड करें तो आप देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, एम इंटू वेक्टर आर एम वन वेक्टर आर वन प्लस एम टू वेक्टर आर टू प्लस एंड सो ऑन mn वेक्टर rn। बच्चों, चूंकि हमको द्रव्यमान केंद्र की गति की चर्चा करनी है इसलिए अब हम इस समीकरण का एक बार समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, m d वेक्टर dr by dt m d वेक्टर r1 by dt m2 d वेक्टर आर टू बाई डी टी प्लस एंड सो ऑन एम एन डी वेक्टर आर एन बाई डी टी। बच्चों, इस फार्मूले को ये जो इक्वेशन आपके सामने आया है, आइए इसको हम समझने की कोशिश करें। आप देखिए कि ये जो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m d वेक्टर r by dt, सॉरी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m वेक्टर v इज इक्वल टू m1 d m1 v1 प्लस m2
वेक्टर वी टू प्लस एंड सो ऑन एम एन वेक्टर वी एम। बच्चों जहां वी वन वेक्टर वी वन की वैल्यू डी वेक्टर आर वन बाय डी टी है, ये पहले कण का वेग है। इसी प्रकार से आइए आगे बढ़ते हैं, v2 वेक्टर v2 d वेक्टर r2 by dt है और यह दूसरे कण का वेग है। इसी प्रकार से आप कैपिटल V भी देख रहे हैं। कैपिटल V क्या है आइए इसको देखते हैं। वेक्टर कैपिटल V इज इक्वल टू डी वेक्टर कैपिटल R बाय डी टी, ये n कणों से बने निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग है। द्रव्यमान केंद्र का वेग है। इस प्रकार से ये जो समीकरण नंबर दो आप देख रहे हैं बच्चों, यह समीकरण नंबर दो के द्वारा हम किसी n कणों से बने निकाय के द्रव्यमान केंद्र के वेग का विवेचना कर सकते हैं। आइए एक बार फिर इस समीकरण को देखते हैं। किसी n कणों से बने निकाय के द्रव्यमान केंद्र का जो वेग होगा उसका फार्मूला होगा m1 v1 प्लस एम टू वेक्टर वी टू प्लस एंड सो ऑन वेक्टर सॉरी एम एन वेक्टर वी एन अपॉन कैपिटल एम। ये जो इक्वेशन है बच्चों, इससे हम किसी भी अंकणों से बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब एक बार फिर समीकरण दो को समय के सापेक्ष अवकलित करें। समीकरण दो का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए एम डी वेक्टर वी बाय डी टी इज इक्वल टू एम वन डी वेक्टर वी वन बाई डी टी प्लस एम टू डी वेक्टर वी टू बाई डी टी प्लस एंड सो ऑन एम एन डी वेक्टर वी एन बाई डी टी। आइए इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। एम इसे आप वेक्टर ए लिख सकते हैं, एम वन इसे आप वेक्टर ए वन लिख सकते हैं, एम टू इंटू वेक्टर ए टू लिख सकते हैं एंड सो ऑन एम एन वेक्टर ए एन लिख सकते हैं। आइए देखें ये वेक्टर ए वन वेक्टर ए टू वेक्टर ए एन क्या है। जहां वेक्टर ए वन की जो वैल्यू है ये डी वेक्टर वी वन बाय डी टी के बराबर है और यह पहले कण का त्वरण है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए टू इज इक्वल टू डी वेक्टर वी टू बाई डी टी है और यह दूसरे कण का त्वरण है। सिमिलरली आप वेक्टर कैपिटल ए भी देख रहे हैं, इसकी वैल्यू है डी वेक्टर वी बाई डी टी, यह एन कणों से बने निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है। द्रव्यमान केंद्र का
त्वरण है। इस प्रकार से ये जो इक्वेशन नंबर 3 आपको मिला है, ये इक्वेशन नंबर 3 ये बहुत महत्व का इक्वेशन है। आइए इस इक्वेशन नंबर 3 में ये जो m1 वेक्टर a1, m2 वेक्टर a2 है और m अप टू mn वेक्टर an है, इसे हम न्यूटन के गति विषयक नियम का उपयोग करके और सिंप्लीफाई करते हैं। बच्चों समीकरण नंबर 3 को आप लिख सकते हैं कैपिटल M वेक्टर A वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस एंड सो ऑन वेक्टर FN। आप न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से भलीभांति परिचित हैं, जिसका फार्मूला होता है वेक्टर F इज इक्वल टू एम इंटू वेक्टर A। इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हमने इक्वेशन नंबर 3 को सिंप्लीफाई किया है। ये जो वेक्टर F1 देख रहे हैं बच्चों, ये n कणों के निकाय में जो पहला कण है उस पर लगने वाला परिणामी बल है। आइए इसकी थोड़ी और गहराई में विवेचना करते हैं। मान लीजिए n कणों के निकाय में कोई आयत कण है और उस पर कुल कितने प्रकार से बल लग रहे हैं, उसका परिणामी बल किस प्रकार से व्यक्त होगा, आइए इसकी चर्चा करें। मान लीजिए जो आयत कण है उस पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो वेक्टर Fi है, और ये देखिए किसके बराबर होगा, सिग्मा आई इज नॉट इक्वल टू जे एफ आई जे वेक्टर एफ आई जे प्लस वेक्टर एफ आई एक्सटर्नल। इस फॉर्मूले को समझना बहुत ही जरूरी है बच्चों। इसे आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, इसे आप इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। इस फॉर्मूले को अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि किसी भी n कणों के निकाय में किसी भी कण पर लगने वाला बल दो बलों का परिणामी होता है। पहला बल आंतरिक बल होता है और दूसरा बाह्य बल होता है। अर्थात किसी कण पर जो बल लग रहा है वह दो प्रकार से व्यक्त किया जाएगा। पहला कि जो n कणों का निकाय है उस निकाय में उस कण के अलावा, जिस कण की हम चर्चा कर रहे हैं उसके अलावा अन्य कण भी उस पर बल आरोपित करते हैं, उसके कारण जो बल लगेगा वो आंतरिक बल बोला जाएगा। और निकाय पर बाहर से अगर कोई बल लग रहा है और उस कण पर लगने वाले बल को हम उस कण पर लगने वाला बाह्य बल Fi एक्सटर्नल बोलेंगे। बच्चों आइए अब आंतरिक बलों पर चर्चा करें। आंतरिक बल आपने देखा कि यह किसी निकाय के दो कणों के बीच लगने वाला बल होता है, यह जोड़े में कार्य करता है और इस पर न्यूटन के गति विषयक तीसरे नियम का अनुपालन होता है। इस प्रकार से एक कण जब किसी दूसरे कण पर बल लगाता है तो दूसरा कण भी पहले कण पर उतना ही बल परंतु विपरीत दिशा में लगाता है। इसका परिणाम यह होता है कि आंतरिक बलों का जो परिणामी होगा वह शून्य हो जाता है। इस प्रकार से यह आंतरिक बल बच्चों शून्य हो जाएगा लेकिन बाह्य बल शून्य नहीं होगा। इस प्रकार आइए अब इस इक्वेशन को और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप लिख सकते हैं m वेक्टर a इज इक्वल टू f एक्सटर्नल, अर्थात n कणों के निकाय पर पहले कण, दूसरे कण, तीसरे कण, जितने भी कण हैं उन सब पे जितने भी बल लगेंगे उन सभी कणों पर लगने वाले बाह्य बलों का जो परिणामी बल होगा वो मान लीजिए F वेक्टर F एक्सटर्नल होगा, और इस प्रकार से हमें यह सूत्र प्राप्त होगा। बच्चों यह सूत्र बहुत ही महत्व का है। यह सूत्र आपको क्या बता रहा है इसको जरा समझिए। बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास n कणों का निकाय है, हम उस निकाय में एक ऐसा बिंदु चुन लें जहां पर उस निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित हो, और यदि कोई बाह्य बल अगर उस पर लग रहा हो तो उसी बिंदु पर कार्यरत हुआ माना जाए,
तो हम n कणों से बने निकाय का जो गति की विवेचना है बड़े आसानी से और सिर्फ इस सूत्र के सहायता से ही कर सकते हैं। बच्चों यह सूत्र सिर्फ n कणों के निकाय के लिए ही नहीं बल्कि दृढ़ पिंड के लिए भी सत्य है। वह इस प्रकार से कि यदि दृढ़ पिंड के जो कण हैं जिनसे वो मिल करके बना है यदि उनमें आंतरिक गतियां होती हैं तो उस आंतरिक गति का दृढ़ पिंड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दृढ़ पिंड में एक ऐसा बिंदु चुनिए जहां पर दृढ़ पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान कार्यरत हो और यदि दृढ़ पिंड पर कोई बाह्य बल लग रहा हो तो उसी बिंदु पर अगर कार्यरत माना जाए तो दृढ़ पिंड को आप एक बिंदु के रूप में गणितीय रूप से एक बिंदु के रूप में मानकर गणितीय विवेचना कर सकते हैं। आइए इस सूत्र से अब हम द्रव्यमान केंद्र की उस परिभाषा पर पहुंचते हैं जिसकी चर्चा मैंने पिछले लेक्चर में दिया तो था परंतु वर्णन उसके जो परिभाषा का जो गहराई में जो विवेचना हुआ है वो अब हुआ है। अब हम इस स्थिति में हैं उस परिभाषा को समझने के। देखिए बच्चों द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा क्या है। कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु है जो इस प्रकार गति करता है कि मानो कि निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान इसी बिंदु पर संकेंद्रित हो और सभी बाह्य बल भी इसी बिंदु पर कार्यरत हो। बच्चों इस परिभाषा को आप समझिए और किसी भी प्रकार के दृढ़ पिंड अथवा निकाय को आप निकाय के लिए आप गति के नियम का भली भांति आसानी से उपयोग करके उसके गति की विवेचना कर सकते हैं। बच्चों अब यहां पर एक बात समझना बहुत ही जरूरी है कि द्रव्यमान केंद्र की गति में आंतरिक बलों की क्या भूमिका होती है। जैसा कि मैंने अभी अभी चर्चा किया कि किसी भी निकाय अथवा दृढ़ पिंड के कणों में जो बल लगता है वो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है और इस प्रकार से आंतरिक बल का आंतरिक बलों का जो परिणामी होता है वह शून्य हो जाता है। इस प्रकार केवल निकाय पर अथवा दृढ़ पिंड पर बाह्य बलों की ही चर्चा की जाती है जैसा कि हमने इस समीकरण में आपको बताया। एम कैपिटल एम वेक्टर ए इज इक्वल टू एफ वेक्टर एफ एक्सटर्नल। यहां पर ये जो एम था ये निकाय का द्रव्यमान है, वेक्टर कैपिटल ए यह द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है और एफ वेक्टर एफ एक्सटर्नल इस पूरे निकाय पर लगने वाला बाह्य बल है। बच्चों आपने देखा कि द्रव्यमान केंद्र की गति में प्रत्येक निकाय के द्रव्यमान केंद्र की को की गति में इसके अव्ययी कणों के बीच कार्यरत आंतरिक बलों की कोई भूमिका नहीं होती है। ये बहुत ही हमारे गति के कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना देता है। बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास कोई दृढ़ पिंड है, ये अणुओं और परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। आप सभी जानते हैं कि अणुओं परमाणुओं में भी आंतरिक गतियाँ होती रहती हैं, दृढ़ पिंड के अंतर्गत इनकी गतियाँ होती रहती हैं और इन गतियों का हमारे दृढ़ पिंड के द्रव्यमान केंद्र की गति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए आइए हम और एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और हम ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु पर हमारे पास मान लीजिए एक प्रक्षेप्य है। यह प्रक्षेप्य ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंका जाता है और ये परवलयाकार पथ पर गति करता हुआ पृथ्वी के किसी बिंदु पर जाकर गिर जाता है। बच्चों मान लीजिए कि यदि इस प्रक्षेप में आंतरिक बलों के कारण कोई विस्फोट हो जाता है जिससे ये कई टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो भी इस जो प्रक्षेप है इसका द्रव्यमान केंद्र अभी भी उसी पथ पे गति करेगा
जिस प्रकार वह विस्फोट न होने पे करता। मतलब ये हुआ कि चूंकि विस्फोट आंतरिक बलों के कारण हुआ है और आंतरिक बलों की भूमिका द्रव्यमान केंद्र की गति में नहीं होती है, इसलिए जो ये जो प्रक्षेप है उसका द्रव्यमान केंद्र वैसा ही गति करता रहेगा जैसा कि वह विस्फोट न होने की स्थिति में करता। आइए एक और कंसेप्ट पे चर्चा करते हैं जिसका नाम है गुरुत्व केंद्र। अक्सर बच्चे द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैंने गुरुत्व केंद्र नामक कंसेप्ट को यहीं पर ले लिया है आपको समझाने के लिए। आइए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं पहले उदाहरण से शुरू करता हूँ। बच्चों ये कोई दफ्ती का टुकड़ा ले लीजिए, ठीक, और इस दफ्ती के टुकड़े को एक पेंसिल अथवा पेन की नोक से इसको संतुलित करने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि कुछ ही प्रयास के बाद आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि इस दफ्ती के टुकड़े को आप संतुलित कर देते हैं। इस प्रकार आप मान लीजिए कि आपके पेन या पेंसिल का नोक इस बिंदु पर स्थित है, इसे हम नाम देंगे जी। बच्चों ये वही बिंदु है जिसे आप गुरुत्व केंद्र कहेंगे, अर्थात गुरुत्व केंद्र किसी विस्तारित आकार के पिंड का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिसके परितः पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य होता है। आइए इस बात को और जरा समझते हैं। बच्चों ये जो पिंड है, वस्तु है, इसका जो भार है वो पेंसिल के दिशा में ही नीचे की ओर कार्यरत होगा और पेंसिल की नोक के कारण जो जो रिएक्शन फोर्स होगा वो आर ऊपर की तरफ होगा। आप देख रहे हैं कि इस दफ्ती के टुकड़े का भार पेंसिल के नोक के द्वारा उत्पन्न रिएक्शन फोर्स से बैलेंस हो गया है, अर्थात यह दफ्ती का टुकड़ा स्थानांतरीय गति नहीं कर रहा है। आइए इसके अन्य कणों की भी चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक कण है M1 और यहाँ पर एक कण है M2। मान लीजिए बच्चों M1 कण का जो भार है वो M1G है जो नीचे की तरफ कार्यरत है और M2 कण का भार M2G है वो भी नीचे की तरफ कार्यरत है। बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो M1 कण है इस दफ्ती के टुकड़े को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा और M2 कण है उसका भार इस दफ्ती के टुकड़े को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। लेकिन चूंकि यदि यह दफ्ती का टुकड़ा पेंसिल की नोक पर संतुलित है, इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो दफ्ती का टुकड़ा है यह घूर्णी संतुलन की अवस्था में है। इस अवस्था में हम लिख सकते हैं सिग्मा RI क्रॉस MI वेक्टर G। बच्चों ये किसी पिंड पर लगने वाले जो कुल बलाघूर्ण है उसका सूत्र है। ये जो बलाघूर्ण, हालांकि बलाघूर्ण के बारे में आपको अगले लेक्चर्स में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मात्र आप थोड़ा सा उसके बारे में समझ लीजिए। किसी पिंड पर लगने वाले बलाघूर्ण का सूत्र बल और लंबवत दूरी के गुणनफल से ज्ञात किया जाता है और इसका वेक्टर स्वरूप में जो फार्मूला होता है वो होता है टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। तो मैंने यही सूत्र यहाँ पर इस्तेमाल किया है। चूंकि मैंने अभी अभी देखा, हम लोगों ने देखा कि यह पिंड घूर्णी संतुलन में है, अर्थात यह सिग्मा आई बराबर 1 to n वेक्टर आर आई क्रॉस एम आई वेक्टर जी का मान 0 के बराबर होगा। अब यदि जी, मान लीजिए कि यदि कांस्टेंट है तो जी को आप इस समेशन से बाहर ले सकते हैं। आप लिख सकते हैं सिग्मा आई बराबर 1 to n वेक्टर आर आई MI वेक्टर RI। बच्चों इस सूत्र से आप भली भांति परिचित हैं, इसकी चर्चा हमने आपको पिछले लेक्चर में किया है। यह द्रव्यमान केंद्र का सूत्र की ओर संकेत करता है। आप देख लीजिए वेक्टर G M into वेक्टर R,
इज इक्वल टू जीरो होगा, और यहाँ से आप लिख सकते हैं वेक्टर आर बराबर जीरो। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान नियत हो तो द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश है वह शून्य होगा, अर्थात द्रव्यमान केंद्र भी इसी बिंदु G पर ही स्थित होगा। आइए अब इसको समझते हैं। बच्चों इस बात को जरा ध्यान से समझिए, यदि पिंड का आकार छोटा है तो द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र दोनों एक ही बिंदु पर संपाती होते हैं, परंतु यदि पिंड अत्यंत विशाल आकार का है तो जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो पिंड के भिन्न भिन्न कणों पर भिन्न भिन्न हो जाता है। इस स्थिति में जो गुरुत्वीय केंद्र और द्रव्यमान केंद्र एक बिंदु पर संपाती नहीं होते हैं, ऐसा की चर्चा मैंने आपको दिखाया। तो सामान्य अवस्था में द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र संपाती होंगे यदि यदि पिंड ऐसे गुरुत्वीय क्षेत्र में रखा है जिसका मान एक समान है। तो आइए अब फाइनली गुरुत्वीय केंद्र की एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। किसी विस्तारित आकार के पिंड का जो गुरुत्वीय केंद्र है वह बिंदु है जिसके परितः पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य होता है। इसकी इस डेफिनेशन को हमने इस फार्मूले में आपको एक्सप्लेन किया, और द्रव्यमान केंद्र का जो फार्मूला था वो यहाँ पर एक्सप्लेन आपको किया गया। आइए अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई बच्चा किसी चिकने क्षैतिज फर्श पर एक समान चाल v से गतिमान है, गतिमान किसी लंबी ट्राली के एक सिरे पर बैठा है। यदि बच्चा खड़ा होकर ट्राली पर किसी भी प्रकार दौड़ने लगता है तब निकाय जिस जो ट्राली और बच्चे से मिलकर के बना है के द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या होगी। बच्चों जरा इस बात को समझिए, मान लीजिए कि ये कोई लंबी ट्रॉली है, इसके एक सिरे पर एक बच्चा है जो बैठा हुआ है, ठीक है। हमने निकाय के रूप में ट्राली और बच्चे दोनों को लिया हुआ है, और यह ट्रॉली जो है और यह जो निकाय है यह v वेग से गतिमान है। अब क्या होता है कि इस ट्रॉली पर यह जो बच्चा है खड़ा हो जाता है और किसी भी प्रकार से यह बच्चा गति करने लगता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये निकाय जिसमें कि ये बच्चा और ट्राली दोनों सम्मिलित थे वह अब किस वेग से गति करेगा। बच्चों आपको ये बताया गया है कि द्रव्यमान केंद्र की गति में आंतरिक बलों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि यह जो निकाय लिया गया है इसमें बच्चा और ट्रॉली दोनों निकाय के ही अवयव हैं। जो भी बल लग रहा है इन निकाय के अवयवों के बीच में लग रहा है, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, इसलिए इस निकाय के वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ये अभी भी वी वेग से ही वी चाल से ही गतिमान होगा। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। बच्चों 2 किग्रा और 3 किग्रा द्रव्यमान की दो वस्तुएं x अक्ष के अनुदिश क्रमशः 3 मीटर प्रति सेकेंड और 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रही हैं, द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कीजिए। बच्चों द्रव्यमान केंद्र का फार्मूला, द्रव्यमान केंद्र के वेग का फार्मूला आपको पहले ही मैंने बताया था, वो था वेक्टर v इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। इस प्रकार से आप इसमें वैल्यूज आइए पुट करते हैं। m1 की वैल्यू 2 है, v1 की वैल्यू 3 है, m2 की वैल्यू 3 है और v2 की वैल्यू 2 है। दोनों कणों के द्रव्यमानों को जोड़ दीजिए, 2 प्लस 3। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 6 प्लस 6 बाई 5 यानी 12 बाई 5, ये हो जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड। अब आइए अब गृह कार्य पर आते हैं, आपके लिए अभ्यास के लिए प्रश्न देते हैं, इसको समझिए। 3 किग्रा और 1 किग्रा द्रव्यमान के पिंडों के वेग क्रमशः
टू आई कैप माइनस सेवन जे कैप प्लस थ्री के कैप मीटर पर सेकेंड एवं माइनस सिक्स आई कैप माइनस इक्कीस जे कैप प्लस सेवन के कैप मीटर पर सेकेंड हैं। निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस स्थिति में भी निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात करने के लिए आप उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे सॉल्व करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।